नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में अडानी विल्मार स्टॉक को डिस्कस करेंगे। क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को ग्रैब करने का, या अभी भी ये अंडर परफॉर्म करेगा, अभी भी ये कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते दिखेगा? क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अपने हाई के प्राइस से लगभग 60-65% करेक्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो काफी पेसिमिस्ट व्यूज हैं। लोग होल्ड कर करके इसीलिए थक चुके हैं क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल स्टॉक ने 200-500% तक के रिटर्न्स दिए। ऐसे में अगर कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपकी एलोकेशन ठीक ठाक हो और वो स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा हो तो ये स्वाभाविक है कि आपका गुस्सा तो आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो बाजार में हमने देखा कि आपके शेयर सेल करने के बाद ही वो स्टॉक काफी ट्रेंड करता है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अडानी विल्मार में ऑलरेडी होल्डिंग है, ऑलरेडी आप टैप हो चुके हैं, तो पैनिक नहीं करें, थोड़ा और समय दें। जब आपने इतना दिन दिया, यहां से आगे के जो परफॉर्मेंस है वो मुझे आउटस्टैंडिंग दिखता है। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें, वहां से आप हमारी एक्यूरेसी, हमारे एनालिसिस को आप समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। मार्केट साइंटिस्ट मास्टर क्लास को अगर आप बाजार के फंडामेंटल्स बेसिक्स टू एडवांस लर्न करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। और हमारा मकसद है इंडिया के सभी डिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना, और इस मिशन के सहयोग के लिए आप इस चैनल टेलीग्राम को दोस्तों, कलीग्स, रिलेटिव, जो भी आपके नोन में ट्रेडिंग करते हैं उन तक जरूर शेयर करेंगे, और डेली डेली लगभग 4-5 नए लोगों को शेयर करें। इससे क्या होगा, क्योंकि कभी हमने पेड प्रमोशन नहीं करा, आपके प्रमोशन से ही, और जितने लोग मुझे जानते हैं या जो बड़े मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे रिफरल से ही आए हैं, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। तो अडानी विल्मार फंडामेंटली इस समय 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 50,000 करोड़ का ईयरली सेल्स है, यानी 10-12,000 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स कंपनी कर रही है। इस समय ये कंपनी एडेबल ऑयल से खुद को शिफ्ट कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट जो FMCG होता है। क्यों? क्योंकि एडेबल ऑयल के मार्जिन नहीं है, FMCG के मार्जिन 20% के नियर अराउंड है। तो अगर 50,000 करोड़ का FMCG के सेल्स हो तो नियर अराउंड आप देखेंगे तो 8,000-12,000 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट होंगे। लेकिन इस समय कंपनी के नेट प्रॉफिट लेस देन 2,000 करोड़ के आसपास के नंबर्स ही दिख रहे हैं। तो मेरे व्यूज तो काफी स्ट्रॉन्ग इसीलिए हैं क्योंकि यहां से कंपनी एडिबल ऑयल के रेवेन्यू से FMCG के तरफ शिफ्ट कर रहा है। MD ने कहा है कि 1 लाख प्लस आउटलुक जो 1 लाख प्लस जो है स्टोर कंपनी ओपन करने जा रही है। तो मेरे व्यूज तो काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि यहां से आउट परफॉर्म करेगा। जो बुरे दिन है वो यहां से हटते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करें। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बने रहें, अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में हमने कई बार कहा मिनिमम 364 के ऊपर के क्लोजिंग पर ही मिनिमम शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल आएगा। अगर 360 को ब्रेकआउट करें तो वहां से एक मेजर रेजिस्टेंस 400 और 420 के बीच का है। टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम पे 420 के लेवल्स को ब्रेकआउट करें फिर हम इस स्टॉक में 700-1000 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म है, थोड़े बहुत और टाइम लगते दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ से 2 ईयर के होराइजन को होल्ड कर सकते हैं तो यहां से डबल का कैंडिडेट ये स्टॉक दिखता है। टेक्निकली वीकनेस मुझे 290 के नीचे ही दिखती है, आई डोंट थिंक सो कि 290 के नीचे जाने चाहिए। तो यहां थोड़ा बहुत कंसोलिडेट लेगा, रिस्क बहुत लिमिटेड और रिवार्ड काफी बड़ा इस स्टॉक में दिखता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।